असल जी आई होप So ग्रेट सो आई एम बैक video रिव्यू एंड द प्रोडक्ट आई एम गोइंग today इज़ Nivea सन किड्स अल्ट्रा प्रोटेक्ट एंड Play सनस्क्रीन एंड वी ऑल नो हाउ important सनस्क्रीन इज सो डिटेल में रिव्यू करेंगे हम इस सनस्क्रीन को लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अच्छा आप मेरे पास दो बॉटल्स देख रहे हैं वो इसलिए हैं क्योंकि ये मैं आपको बता सकूं कि मैं अपने बच्चों के लिए यूज़ कर रही हूँ ये बॉटल मेरी ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुकी है और जो दूसरी बॉटल है वो मैंने न्यू परचेज की है क्योंकि आई रियली लाइक इट अच्छा जी तो बॉटल के ऊपर लिखा है निविया सन किड्स अल्ट्रा प्रोटेक्ट एंड प्ले इमीजिएट एंड लॉन्ग लास्टिंग स्किन प्रोटेक्शन फॉर बीच प्ले एंड स्पोर्ट 50 प्लस यूवीए अल्ट्रा वेरी हाई थ्री टाइम्स लॉन्गर वाटर रेजिस्टेंस एंड सैंड एंड स्वेट रेजिस्टेंट अच्छा इसकी क्वांटिटी है 150 एंड और प्राइस है इसकी 4000 से अब फोर्टी टू हंड्रेड फोर्टी थ्री कहीं कहीं पर अच्छा जी पहले पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं अच्छा फर्स्ट तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आपने इसको लगा के वेट नहीं करना होता 15 20 मिनट्स और बच्चे तो बिल्कुल वेट नहीं कर सकते अच्छा दूसरी इसकी अच्छी बात यह है कि इसका फॉर्मूला बहुत जेंटल है इससे पहले जो सन ब्लॉक में यूज़ करी थी गार्नियर का तो उससे मेरी बेटी की आंखें रेड होना स्टार्ट हो जाती थी लेकिन इसके साथ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ थर्ड पॉजिटिव पॉइंट यह है कि इट इज़ हाईली वाटर रेजिस्टेंट बच्चे मर्जी पानी में खेले कूदें ये स्किन से रिमूव नहीं होती स्टिल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि इसकी वाइट कास्ट कोई नहीं है इसका टेक्सचर इस तरह से वाइट और थोड़ा सा थिक सा है लेकिन ईजिली आपकी स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाता है थोड़ा सा हैवी फील होता है थोड़ी देर के लिए लेकिन उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है लेकिन कोई वाइट कास्ट नहीं है और बहुत ही ईजिली आपकी स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाता है एज़ यू कैन सी बिल्कुल आसानी से स्किन में अब्ज़ॉर्ब भी हो गया है और अच्छे से स्टे भी करता है कोई वाइट कास्ट नहीं है और सन प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छी देता है क्योंकि बच्चे सारा दिन धूप में खेलते हैं और यहाँ बहुत सख्त धूप होती है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इससे कोई सनबर्न भी नहीं हुआ एज़ यू कैन सी कि स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है और कोई हैवी और वाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं दे रहा अच्छा इसकी एक और पॉजिटिव बात मुझे ये लगी है कि इसकी प्रीवियस फॉर्मूलेशन में या इसकी पहले इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में एक केमिकल था होमोसिलेट जो कि बहुत ही हार्मफुल केमिकल है और आपको हार्मोनल चेंजेस काज कर सकता है स्पेशली बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है लेकिन निविया ने इसकी न्यू फॉर्मूलेशन में होमोसिलेट को रिमूव कर दिया है सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग अच्छा नाउ कमिंग टू द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस सनस्क्रीन तो आप देख सकते हैं कि इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में डी नेचर्ड एल्कोहल है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ड्राइंग हो सकता है और मे बी इन द लॉन्ग रन आपकी स्किन बैरियर को भी नुकसान दे सकता है And the second negative point is it does contain fragrance. So I hope all the negative or positive points cover hair As I am using it for my kids and it does the job very well. But I'll try to find something affordable, fragrance free, and alcohol free next time. So this was my personal opinion of this sunblock. I hope it was helpful. So that was it for the video. Thank you so much for watching. And if you liked it, please give it a thumbs up. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.